दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। जागे वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब, वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब। मोहतरम नाजरीन आदाब, खाके वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस शुमारे में हमने मौलाना हसरत मोहानी के लिखे हुए नगमों का इंतखाब किया है। मौलाना हसरत मोहानी 1875 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला उनाव में एक गांव मोहान में पैदा हुए और 1951 ईस्वी में लखनऊ में वफात पा गए। आपका असली नाम सैयद फजलुल हक था। आप उर्दू ज़बान के कोहनमश्क शायर होने के साथ साथ सहाफ़ी, मेंबर पार्लियामेंट और निडर और बेबाक मुजाहिद आज़ादी थे। नाज़रीन मोहतरम, हसरत मोहानी की नज़्म तगाज़ाए गैरत से लिए गए चंद अशआर शाजिया की खूबसूरत आवाज़ में मुलाहिज़ा कीजिए। पाबंदी अगयार होकर
मौलाना हसरत मोहानी ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपने अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत सारे तकालीफ़ और मसाइब उठाए और कई दफ़ा जेल भी गए। एक मशहूर शेर में आपने अपनी शायरी और सियासी मसरूफियात के बारे में यूं कहा है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तरफ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कई साल तक वाबस्ता रहने के बाद मौलाना हसरत मोहानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत की। आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बुनियादी मेंबर भी रह चुके हैं। आज़ादी हासिल होने के बाद आप पाकिस्तान हिजरत करने के बजाय हिंदुस्तान में ही रहे ताकि मुख्तलिफ सियासी अंजुमनों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। नाज़रीन मोहतरम, जनाब जीएम खान की आवाज़ में मौलाना हसरत मोहानी की एक मशहूर गज़ल पेश खिदमत है। रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे। हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे। हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे। रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे। रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे। तखरीब का खल्के खुदा पर अजाब देखिए कब तक रहे। खल्के खुदा पर अजाब देखिए कब तक रहे। हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे। रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे। नाम से कानून के होते हैं क्या क्या सितम। जब्र ये जेर निकाब देख
देखिए कब तक रहे जब्र ये ज़ेर नकाब देखिए कब तक रहे हुब्बे वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे रस्म-ए-जफा कामयाब देखिए कब तक रहे रस्म-ए-जफा कामयाब देखिए कब तक रहे रस्म-ए-जफा कामयाब देखिए कब तक रहे हुब्बे-वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे हुब्बे-वतन मस्ते ख्वाब देखिए कब तक रहे रस्म-ए-जफा कामयाब देखिए कब तक रहे रस्म-ए-जफा कामयाब देखिए कब तक रहे। मौलाना हसरत मोहानी गजल और नज्म दोनों के उस्ताद थे। रदीफ और काफिया की रिवायती बंदिश को तोड़े बगैर आपने फितरी और गुफ्तगुयाना तर्ज तहरीर इख्तियार करके गजल में ताजगी लाई। आपकी शायरी फारसी फरहंग और मुबालिगा आमेज तखयल से कोसों दूर थी। हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी के मशहूर नारों इनकलाब जिंदाबाद और आज़ादी हमारा पैदाइशी हक के मौजद भी आप ही हैं। कुलियात हसरत मोहानी, शरह कलाम गालिब, निकात सुखन, मुशाहिदात जिंदा आपकी कुछ तसानीफ हैं। इश्क की रूह पाक को तोहफे गम से शाद कर, अपनी जफा को याद कर, मेरी वफा को याद कर। नाज़रीन मोहतरम, हसरत मोहानी की ये खूबसूरत गज़ल आपके सामने पेश कर रहे हैं जनाब वहीद जिलानी साहब। इश्क की रूह
मौलाना हसरत मोहानी ने श्री कृष्ण के मुतालिक भी नज़म गुई की है, जिसमें आपने उनके तई वालहाना अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया है। आप श्री कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी मनाने के लिए अक्सर मथुरा जाते थे। मौलाना हसरत मोहानी बाल गंगाधर तिलक की सोच से भी काफ़ी मुतासर थे और उन्होंने इसका खुल्लम खुला इजहार भी किया है। नाजरीन, हसरत मोहानी की नज़्म बाल गंगाधर तिलक से लिए गए कुछ अशआर बसूरत नगमा आपके सामने पेश कर रहे हैं इरफान और बिलाल। ए इब्तिकारी जज्बाए हुब्बे वतन, ए तिलक ए इब्तिकारी
जिसका इम है बिना आजादी ये बेबाक की तुझसेका तुझसे रोशन अहले इखलास सभा की अंजुमन तुझसे रोशन अहले इखलास सभा की अंजुमन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन है तिलक ए इफ्तिखार जज्बाए हुब्बे वतन जात तेरी रहनुमाए राहे आजादी हुई जात तेरी रहनुमाए राहे आजादी हुई जात तेरी रहनुमाए राहे आजादी हुई गिरफ्तारे गुलामी वरना यारा ने वतन गिरफ्तारे गुलामी वरना यारा ने वतन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन ऐ तिलक ए इफ्तिखार जज्बाए हुब्बे वतन ऐ तिलक ए इफ्तिखार जज्बाए हुब्बे वतन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन ऐ तिलक ए इफ्तिखार जज्बाए हुब्बे वतन ऐ तिलक ए इफ्तिखार जज्बाए हुब्बे वतन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन अक्षरा सो हक पसंदो हक यकीनो हक सुगन ऐ तिलक ए इफ्तिखार जज्बाए हुब्बे वतन नाज़रीन इसी नगमे के साथ ही हमारी आज की नशस्त बर्खास्त होती है इजाजत दीजिए खुदा हाफिज खाके वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब वतन जर्रा जर्रा तेरा आफ़ताब तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था की है मैंने।